स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे टंकी में पानी भर जाने पे मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इससे जो है बहुत सारा लाभ है। पानी जो लाखों लीटर हजारों लीटर डेली बर्बाद हो रहा है, एक घर से पानी गिरते रहता है, मोटर बंद नहीं हो पाता है, तो इससे जो है पानी भी बचेगा और मोटर भी जल्दी बंद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक MCB लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए MCB है, ये जो तार जो आया है मेन लाइन से आया है, यहाँ से होके स्टार्टर में गया है। पहले मेन लाइन जो होता है गरम लाइन, वो यहाँ आया है, यहाँ से लाइन जो है स्टार्टर में गया है। यानी ये MCB जो है स्विच का काम कर रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, इस MCB में जो है तार से एक डब्बा को टांग दिए हैं। और देखिए जो ओवरफ्लो जो है, ओवरफ्लो से एक पाइप आया है नीचे, वो पाइप सीधे इस डब्बे में आया है। तो देखिए जब पानी इसमें ओवरफ्लो से आता है तो ये जो है भर भर जाता है, तो इसका भार से जो है ये स्विच को ऐसे नीचे खींचता है ऐसे, और मोटर को बंद कर देता है। और देखिए यहाँ पे ऊपर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। फिर जो है पानी इस डब्बे के नीचे एक छेद है, इस डब्बे के नीचे एक छेद है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक छेद है, यहाँ से पानी धीरे धीरे गिर जाता है तो डब्बा खाली हो जाता है। तो ये स्प्रिंग जो है इस डब्बे को ऊपर ऐसे खींच लेता है पानी खाली खाली हो जाने पर। तो देखिए MCB से क्या करना है, तार से, इसमें देखिए फिलिप्स का MCB है, इसमें तार से जो है डब्बा, मतलब तार घुसा के डब्बा लटका देना है, और वही तार ऊपर जोड़ देना है स्प्रिंग में, इसी से ठीक है। तो क्या होगा, पानी जब इसमें आएगा वो ये डब्बा में ओवरफ्लो, तो जो है लोड से जो है MCB को नीचे ऐसे खींचेगा और मोटर बंद कर देगा। अब जब पानी नीचे इस डब्बे के नीचे छेद है तो पानी धीरे धीरे गिर जाएगा, तो पानी खाली होते ही स्प्रिंग जो है डब्बे को ऐसे ऐसे ऊपर खींच लेगा। पानी भरा तो ऐसे हो जाएगा, और पानी खाली हुआ धीरे धीरे नीचे से गिर के छेद से, तो फिर ऊपर आ जाएगा, यानी लाइन वहाँ स्टार्टर में चल जाएगा। तो देखिए ऑटोमेटिक ये सिस्टम है, यहाँ पे आना भी नहीं पड़ेगा छत पे कुछ करने के लिए, बस मोटर चालू कीजिए और आराम से सो जाइए। उसके बाद जो है पानी अपने आप भर जाएगा और बंद भी हो जाएगा मोटर, कोई टेंशन भी नहीं है मोटर बंद करने का। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर प्लीज कर दें। धन्यवाद।